नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास टेंथ विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको विज्ञान में अधिक अंक आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सोडियम को केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह अगर बाहर निकाल कर रखेगा तो रूम का जो तापमान होगा उससे वह वातावरण के तापमान से आग पकड़ लेगा, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से या आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं? आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाता है? ओ धातु, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ धातु कहलाता है। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं? ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं? ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय। धातु के ऑक्साइड होता है, धातु के ऑक्साइड होते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्षारीय। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्युमिनियम। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त वायो गैस का मुख्य घटक है? गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त वायो गैस का मुख्य घटक है? मीथेन, ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन।
घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, ऑप्शन नंबर सी सही है, वाट। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। आमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। टंगस्टन पिघलता है। टंगस्टन पिघलता है। 3000 सेल्सियस डिग्री पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर, इसलिए इसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। 0.24 कैलोरी होती है एक जूल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमने वाले जितने होते हैं वह आंतरिक होते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को वह घुमा करके डायनमो क्या करता है, विद्युत में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी और स्टेड ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोपोषण होता है। हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोपोषण होता है हरे पौधे में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी सही है, हरित लवक। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। श्वसन, ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अर्धपरागमीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपरागमीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। कवक, ऑप्शन नंबर बी सही है, कवक। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। क्यूबन क्रिया होती है, क्यूबन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यूबन क्रिया होती है दही के जमने में। तो दोस्तों यह
तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं और बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।